हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक आबंध की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इसमें हम बात करेंगे विद्युत सहसंयोजी आबंध क्या होता है, विद्युत सहसंयोजी आबंध के लक्षण क्या होते हैं, ये विद्युत संयोजी आबंध और विद्युत सहसंयोजी आबंध में क्या अंतर होते हैं, क्या इनमें भिन्नता है, क्या इनके लक्षण हैं, क्या इनमें असमानता है, क्या इनमें समानता है, सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते रहिए बिना समय गवाए, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सहसंयोजी आबंध, या इसका दूसरा नाम सहसंयोजक आबंध। कौन सा? विद्युत सहसंयोजक आबंध, ठीक है ना। सहसंयोजक आबंध या बोले या सहसंयोजी आबंध बोले, तो इसकी परिभाषा क्या है? तो जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक दो व्यक्ति हैं ये, और ये एग्जाम में बैठे हैं, और इसके पास में ब्लैक पेन है यानी कि काली पेन है, और इसके पास में नीली, ठीक है। अभी ये दोनों पास पास बैठे हैं, तो अभी इसको प्रश्न लिखने के लिए काली पेन की आवश्यकता पड़ रही है, और इसको उत्तर लिखने के लिए ब्लू चाहिए यानी कि नीली पेन चाहिए। अब इनके पास दोनों है, तो इन्होंने क्या किया कि दोनों पास में बैठ गए, और इसने अपनी काली पेन यहाँ पर रख दी और इसने नीली रख दी। मतलब क्या हुआ कि जब इसे काली की आवश्यकता पड़ रही है तो इसने काली ले ली, और जब इसे नीली की आवश्यकता पड़ी तो इसने नीली ले ली। ऐसे ही जब इसको काली की आवश्यकता पड़ी तो इसने काली ले ली, और जब इसने नीली की आवश्यकता पड़ी तो नीली ले ली। यानी दोनों ने बराबर बराबर उन्होंने बीच में रख दिया, और क्या कर रहे, साझेदारी से काम कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर उससे वर्क ले रहे हैं दोनों पेंसिल में, दोनों का काम हो रहा है। तो इसी प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं, यानी कि इसमें दोनों का सहभाजन होता है, यानी कि दोनों का बराबर बराबर मात्रा में भागीदारी होती है। जैसे अब मैं कह रहा हूं, इसकी परिभाषा देखो बनाने जा रहा हूं मैं, कि दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, कैसे, दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और इनके यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई? इनसे बनने वाले यौगिक जिनमें सहसंयोजी आबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो समझ में आ गई? दो परमाणु या दो या दो से अधिक हो सकते हैं परमाणु, उनके बीच में बराबर, ये ध्यान रखना, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। अब ये भी बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी आबंध होता है दो तीन प्रकार के होते हैं ये, कि जब कभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल सहसंयोजक बंध बनेगा, और यदि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्वि सहसंयोजी आबंध बनेगा, और जो तीन तीन की होगी तो तिराबंध बनेगा। तो इसके लिए एकल को एक बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे दो बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो तीन बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे। तो तिर एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध और तीन सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या होगी, जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे एकल का हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, H2 अणु का बनना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। कैसे, देखो हाइड्रोजन पर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा प्लस, और दूसरे हाइड्रोजन पर कितना है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखना ये है कि जब ये दोनों एक, हाइड्रोजन की क्या प्रकृति रहती है, वैसे सभी जो और तत्व हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितना चाहता है, वो त्रिभाजन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखना जरा, तो ये चाहेगा, इन दोनों ने बीच में रखा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए पूरे, तो मतलब क्या हो गया कि इन्होंने ये बीच में रख लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, जब इसको आवश्यकता पड़ी तो इसने इन दोनों का काम किया, दोनों से यूज किया काम, अब जब इसको आवश्यकता पड़ी तो ये, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिसको हमने एक सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करा तो ये बन गया हाइड्रोजन अणु। यानी इनके एकल सहसंयोजक आबंध, ये क्या है, एकल सहसंयोजक आबंध,
क्लियर होगी बात? अभी दोबारा से फिर से और बताते हैं, बनना ऑक्सीजन अणु। तो ये ऑक्सीजन अणु का कैसे है, देखो ओ का कितना होता है आपका, ओ का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो देखना जरा, ओ है, इसका क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2.6, ठीक है। तो यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखना जरा ओ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे पे भी कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखना जरा इस पे 6, ये क्या जाएगा, 8। तो इन्होंने क्या करे, ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए। यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 8 बना लिए, इसका भी देखो जरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, ये वाली एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो मतलब क्या हो गए, 2 बॉन्ड आ गए आपके, यानी कि एक बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ये और एक ये। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 8 हो गए। इस पर भी 6 थे, 2 और आ गए, तो 8 हो गए। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका वही है कि आपने क्या करना है कि ओ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 प्लस लगाया, इस ओ का कितने, 2, 4 और 6। अब हमने एरो लगाया, तो इसको ओ कर दिया, इसको ओ कर लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर रख दिए। समझ में आ गई बात? अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये यहाँ पे हैं आपके, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे, इसने आपने 8 बना लिए, देखो 2, 4, 6, 8, और इस पे भी ये 8 हो गए। तो मतलब क्या हो गया, या हम बोल सकते हैं O11O, तो ये O2 अणु बन गया, या O2 अणु। समझ में आ गई बात? तो इसके बीच में कौन सा बंध है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की, यानी कितने इलेक्ट्रॉन साझे कर रहे हैं इन्होंने, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसने भी 2 इसको दिए, इसने भी 2 इसको दिए, तो मतलब बराबर की साझेदारी हो गई। समझ में आ गई बात? अब तीसरा देख लीजिए, तिरावंध कब बनता है, जब N2 अणु होता है, N2 अणु, जैसे N2 N का कितना होता है, 7, तो कितना हो जाएगा आपका, 2.5 होता है, 7 होता है इसका एक N का, तो N2 अणु हम बनाएंगे, तो कितना है, N पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, इस पर N पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना जरा, ये N क्या चाहेगा कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ये N भी क्या चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएं, तो ये इन दोनों ने क्या करा, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो इन्होंने आपस में बात करी, और इन्होंने क्या करा कि भाई तू अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में रख दे, मैं भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इन्होंने रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ये रहे। बोले कि जब तेरे को 8 चाहिए, तो तू मेरे वाले 3 अन्य ले जा। समझ में आ गई? और जब इसको ये इसने कही, जब तुझे 8 चाहिए, तो तू अपने ने ले जा। इन दोनों ने क्या कर ले, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो कितने बॉन्ड आ गए आपके, 3 बॉन्ड आ गए। समझ में आ गई बात? जैसे ओ ने कितने की कही थी कि ओ पे तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, इस ओ पे कितने, 2, 4 और 6, तो इस ओ ने क्या चाहिए कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इसने इस पर से 2 ले लिए, तो इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। यहाँ पे इनको 3 चाहिए, 3-3 की ले ली। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये सभी क्या है आपके, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, और इनमें बंध जो है सहसंयोजी आबंध होता है। सहसंयोजी आबंध भी 3 प्रकार का, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड आएगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड आएगा, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो आपके 3 बॉन्ड आएंगे। क्लियर होगी बात? अब बात आ जाती है कि ये सहसंयोजी आबंध विद्युत संयोजी आबंध से किस तरीके से भिन्न होता है। तो देखिएगा, विद्युत संयोजी आबंध क्या थे, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, जिसने नई वीडियो देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे देख लेना। विद्युत संयोजी आबंध, तो इनके हमने बताए थे कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। पहली बात तो देखना जरा, ये NaCl में था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना कि इस पर Na पॉजिटिव आ जाता है और Cl नेगेटिव आ जाता है। इसे किसी भी बॉन्ड वगैरह से प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इसको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। सिंगल बॉन्ड कब, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, डबल बॉन्ड कब, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, और ट्रिपल बॉन्ड कब, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। तो अब देखिएगा, तो ये क्या है, देखना ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में बनता है बंध, जबकि ये जैसे हाइड्रोजन H2, O2 और N2, और जैसे CH4 है, इसके बीच में भी कैसे, कि C का कितना होता है, देखो जरा CH4 भी देख लीजिए एक बार,
तो सी एच फोर कैसे, सी एच फोर सी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छः सी बारह, यानी कि सी का होता है छः, तो यानी 2.4, चार इलेक्ट्रॉन होंगे सी पर, 1, 2, 3 और 4। इसके साथ में एक एच, एक एच, एक एच और एक एच, एच पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो इसने एच तो कितना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो इसने थोड़ा सा आगे कर दिया, बढ़ा दिया, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए और इसने भी 2 कर लिए। लेकिन सी पे कितने, 8 चाहिए, तो इसने जो ये इलेक्ट्रॉन जो लिया है तो ये दे भी तो रहा है, इसलिए इसने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। तो मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, तो मतलब क्या बन जाएगा, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी, ये आगे ना आगे बात। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका मैथेन अणु बन गया, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली हाइड्रोजन के साथ में, राइट। तो ये हो गया आपका, ऐसे ही आपका बहुत सारे और बॉन्ड हैं, जैसे C2H2 है, C2H4 है, ठीक है, जैसे C2H4 है, तो इसका कैसे बनेगा, देखो इस सी पे कितने हैं, 2, 4 अणु, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो पहले तो मैंने ऐसे बना दिया, 2C ऐसे रख दिया, 2 हैं, एक एच इधर रख दिया, एक एच इधर रख दिया, एक एच इधर रख दिया। अब बोलोगे कि ये मैंने अपनी मर्जी से कैसे कर लिया, अपनी मर्जी से कर लिया, ये संरचना इस टाइप की होनी चाहिए, जैसे सममित, यानी एक सी दोनों को बीच में रख दिया, 2 इधर H रख दिया 2 इधर रख दिया, बराबर। एच पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। सी पर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बताए थे हमने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गए। देखना जरा, पहले तो इसके H के 2 कर दीजिए पहले, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये 2 हो गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये 2 हो गए, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि ये इसने 2 हो गए, और इस पे भी आपके ये 2 हो गए, H के 2 पूरे हो गए। अब इस वाले C को 8 चाहिए, तो देखना जरा, 4 तो ये थे, 1 और 1 2 हो गए, 6 हो गए, अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने ये बीच में रखे, और इसने ये 2 बीच में रखे, क्योंकि इसको भी 2 चाहिए, तो इसने इससे ले लिया, वो 4 ये और 2 ये कितने हो गए, 8, यानी 4 और 6 और 2 8, ऐसे ही ये ऐसे करके इनके बीच में किस तरीके से साझेदारी हुई है, एच सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, और ये डबल बॉन्ड की हुई है यहाँ पे, और ये एच और ये भी एच, समझ में आई बात। इनके बारे में एक पूरी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे अणुओं की संरचना बनाऊंगा मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। तो अभी समझ में आ गए, तो इसमें क्या चीज़ दिखाई दे, देखो O2 में, H2 में, CH4 में, C2H4 में, सब में क्या है, सहसंयोजी आवरण पाए जाते हैं, जबकि NaCl, तो इसमें एक चीज़ हमें एक लक्षण मिल गया, क्या, कि ये तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है सदैव, कभी भी Na2 के बीच में नहीं बनेगा, ठीक है, तो लेकिन ये भिन्न भिन्न परमाणु और समान परमाणुओं के बीच भी बन सकता है। तो एक अंतर आ गया, क्लियर होगी बात, कि सहसंयोजी आबंध समान परमाणु जैसे OO परमाणु और भिन्न परमाणु जैसे C और H परमाणुओं के बीच बन सकता है, जबकि विद्युत संयोजी आबंध सदैव अलग अलग यानी भिन्न परमाणु के बीच बनता है। विद्युत संयोजी के आबंध जो गलनांक और क्वथनांक के ये उच्च होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि इनके कम होते हैं, निम्न होते हैं, समझ में आ गई बात। ये विद्युत के कुचालक सुचालक होते हैं गलित अवस्था में, यानी कि ये गलित यानी पानी मिला देंगे NaCl में तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन इनमें पानी मिलाओ या कुछ भी मिलाओ ये हमेशा विद्युत के कुचालक रहेंगे, इनमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनमें आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए एक और लक्षण बन गया कि विद्युत संयोजी आबंध में आयन पाए जाते हैं और इनमें आयन नहीं पाए जाते हैं। ये जल में विलय होते हैं जबकि ये जल में अविलय होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं जबकि ये कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं, यानी कि ये जल में कैसे होते हैं, ये जल में विलय होते हैं और ये जल में अविलय होते हैं, ये जल में कैसे होते हैं, ठीक है, ये कार्बनिक विलायक में जैसे ईथर है विलय, और ये अविलय होते हैं, समझ में आ गई बात।
क्लियर हो गए। इसमें हमने बताई थी कि ये एक जैसे परमाणुओं के बीच में नहीं बनता है, यानी कि ये भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है, जबकि ये एक जैसे परमाणु और भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बन सकता है। ये यानी गलित अवस्था और ठोस अवस्था कैसी भी अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आ गए, ये इनके अंतर हैं, इनके लक्षण हैं, ये कर लेना। क्लियर हो गए। इसको किसी तीर या एरो से प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि इसको एक एक एरो यानी एक डैश, दो डैश और तीन डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक तब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, दो जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तीन जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। तो ये आपके क्लियर हो गए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसके ऊपर और हम आगे वाली वीडियो में सारा कुछ विस्तार से जानकारी देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और साथ ही साथ आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है।